Hey guys and welcome back to my YouTube channel. मैं हूँ अनुष्का and I'm back with a new video again. So आज हंसने और हंसाने का दिन है, तो मैंने सोचा कि यार आज क्यों नहीं सबसे हमारे पूकी बाबा जी, उनका हम एडिट्स देखते हैं एंड उनके जो फनी मोमेंट्स हैं वो देखते हैं. सो स्टार्ट करते हैं फटाक से ये वीडियो, क्योंकि यार मज़ा आता है उनकी बातें सुनने में. इतने क्यूट बाबा जी हैं हमारे. सो लेट्स गो. एंड ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बहुत सारा प्यार देना एंड सबको शेयर करना, कमेंट्स करना, अपने सजेशंस देना भी मत भूलना. तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. सो इट्स 1 2 3 एंड स्टार्ट. आपका प्रणाम स्वीकार है बाबा जी. मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है, मैं उसको कैसे प्रपोज करूं मुझे समझ नहीं आ रहा. एक्सपायरी डेट में भी प्यार. गुरुजी के पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ ह्यूमर भी है कॉमेडी करने के लिए. महाराज जी हमारे बच्चे को सुनते नहीं है. कान का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ. बढ़िया बहरे हैं क्या? अरे सुनते नहीं आप बोल रहे हैं, डॉक्टर को दिखाओ. अच्छे डॉक्टर को सुनते हैं मतलब हमारी नहीं सुनते हैं, कहने नहीं मानते. अच्छा आपका कहना नहीं मानते, हमें लगा बहरे हैं क्या. महाराज जी के प्रवचन सुनने के दो फायदे हैं, एक तो गुरु जी से आपको अच्छा ज्ञान मिल जाएगा और दूसरा आपकी कॉमेडी शो की टिकट के पैसे भी बच जाएंगे. पति से बात कराओ, आपके पति से बात कर लें. राधे राधे गुरु जी. क्या नाम है आपका? राधे राधे. आरके कश्यप. पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हंस से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी. चुटकी तो बजती है. गुरुजी की अनएक्सपेक्टेड पंचलाइन किसी के रिटर्न जोक से भी ज्यादा फनी होती है. एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग. उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है. हमने उसे कहा बेटा ये बताओ, मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है पर तुमने माता ही क्यों पिया. जितना बॉलीवुड को यूट्यूबर्स ने रोस्ट नहीं किया उससे ज्यादा गुरुजी ने बॉलीवुड को रोस्ट किया है. बॉलीवुड क्या करता है, तुम्हारे बच्चों को गुटखा बेच रहा, शराब बेच रहा, सिगरेट बेच रहा. गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चले आपको दिक्कत नहीं है, वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले उन्हें दिक्कत नहीं है, पर संत लोग समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि ये भाई बाबा कहीं चल रहा है मर्सिडीज में. वो तो संत है जो गीता और रामचरितमानस का कुछ ज्ञान देते हैं तो आप लोगों के बच्चों के कुछ दिमाग में उतरता है. और संतों को कहते हो आप जंगल जाओ जंगल जाओ, बताओ कौन से जंगल चले जाएं? तुम्हारे बाप ने बचाया जंगल, सारे उजाड़ दिए, जंगल बचे नहीं, कहां जाएं? सही बात है भाई, क्या मस्त हो रहा है. बट इसके अलावा जो लोग गुरुजी के ऊपर सीरियसली गलत वीडियोस या फिर एक्सपोज वीडियोस बना रहे हैं वो अपनी वीडियोस पर ये भी जरूर बताएं कि गुरुजी बहुत से लोगों को डेली खाना खिलाते हैं और बहुत से वृद्धाश्रम चला रहे हैं और गुरुजी बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं. हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या कह रहे हैं. हमारी उम्र के बच्चे, मेरी आयु 33 साल है, 33 साल के बच्चों को मैं देखता हूँ वो अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं. कुछ बच्चे पिता की संपत्ति मिल गई है तो गाड़ियों में शराब पी के मस्त हैं. जिस उम्र में भारत का नौजवान नशे में डूब करके बाप की संपत्ति लुटा रहा है उस उम्र में ये दास 280 वृद्धमाओं की सेवा कर रहा है. उस उम्र में 125 बच्चों को ये दास अनिरुद्ध निःशुल्क गौरी गोपाल में रखकर पढ़ाना लिखाना खाना सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है बच्चों की शिक्षा. और लगभग 30,000 लोग पर डे गौरी गोपाल रसोई में लोग प्रसाद पा रहे हैं. जो मेरे पे हंसता है मुझे उस पर ही हंसी आती है कि फादर मेरे पे हंस के पाएगा क्या. हंस रहे तो ये कोई गुरुजी की डिसरेस्पेक्ट या फिर एक्सपोज वीडियो नहीं है. इस वीडियो पर हम गुरुजी की फनी क्लिप्स को देखने वाले हैं और रिएक्ट करने वाले हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. मैंने बोला कि बिस्कुट में ये बिस्किट है भाई, बिस्किट में क्या होता है, मैदा होता है और शक्कर होती है और दोनों ही डॉक्टर बोलते हैं हानिकारक. बिस्कुट जिस तेल से बनती है मतलब चीनी शक्कर और मैदा, कोई अच्छी क्वालिटी के तेल में तो बिस्कुट बनाता ना होगा. लोगों ने कहा लो अनिरुद्धाचार कह रहे हैं बिस्कुट में जहर है, डॉक्टर कह रहे हैं वही बात. गुरुजी को पता चल गया है कि इंटरनेट पर क्या वायरल होता है, इसलिए अभी भी गुरुजी का फोकस सिर्फ बिस्कुट पर ही है. और मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है. अच्छा बात करा लो हमारी. कहाँ से हैं? बिहार पटना से. पढ़े लिखे हैं? जी बीएससी मैथमेटिक्स. वाह. स्वाद के लिए किसी जीव को मार डालना, क्या ये आपका दिल कहता सही है? जी मेरा दिल तो नहीं चाहता है. लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है. नहीं आदमी नहीं खाया अभी तक. इस आदमी की डार्क कॉमेडी के लिए इंडिया तो छोड़ो, समय रहना भी रेडी नहीं है. और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है चार पल पे. किससे बात करती है? लड़के पे. कौन लड़के से?
अभी स्कूल में। कितने साल की लड़की आपकी? लड़की जी 15 साल। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। अरे बाबा, शीतल तो गुप्ता जी है। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? गुरु जी ने चेहरा देखकर लड़की को डायरेक्ट रियलिटी चेक दे दिया। राधे राधे गुरु जी। जी जी, थोड़ा मेरे पति की बात नहीं मानते। क्यों पति परमेश्वर, खड़े हो जाओ। तुम काहे नहीं मानते भैया अपनी पत्नी की बात? किसकी मानते हो? पड़ोसन की? कहीं भी जाओ बाजार पे, लोगों को अंदर ही शक रहता है कि यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो। अच्छा, आप किसी से बात करते हो शक करते हो कि आपकी सेटिंग है? अपने पति को सेटिंग के साथ देख लिए हो क्या? देखते हैं। बताओ। जानते हैं तो गुलाम पकड़ के मेरे पास। तुम जाओ फिर उसके ना छाती में मूंग धरो। क्यों? कदम वही मेरा पति के घर बिगाड़ेंगे तो तुम उसके ना बाल बाल आधे तो गंजा कर दे एक तरफ और दांत 3-4 तोड़ दो। फिर देखो तुम्हारे पति से प्यार करती है कि नहीं। जब बुखलू हो जाएगी, दांत टूटेगा तो यही छोड़ देगा यार, अच्छी नहीं लगती। गुरु जी की एडवाइस तो सही है, लेकिन ये एडवाइस प्रैक्टिकली गलत है। राधे राधे गुरु जी, आपका और मेरा रिलेशन क्या है? मैं फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। गुरु जी के पास पैसों से ज्यादा सेवेज कम बैक्स है, जाकिर खान से भी ज्यादा सख्त है गुरु जी। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं। पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड में बोला करो, पति देव बोला करो, पति देव से जब शादी करके उस शादी के बाद मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा झगड़े भी हुए। आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से होता है, मेरी तरफ से। तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ? हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, ये गुरुजी ने बेस्ट एडवाइस दी है और प्रैक्टिकली भी सही है। कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी पीते हैं। अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले, तकलीफ तो बदबू बदबू वाले पूरा हो जाता है। अब दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे। गुरु जी ने बच्चे को डायरेक्ट डिप्रेशन पर डाल दिया। इसके बाद ये बच्चा अपने दादा को पीने से कभी नहीं रोकेगा, क्योंकि जब भी बच्चा मना करेगा उसे गुरु जी की बात याद आ जाएगी। दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे। तो आपके पति खुद कहते हैं कि हमारी पूजा करो। ये कहते हैं हमारी, पति तो भगवान होते ही है, कर भी लेना, इससे क्या बुराई है? तो फिर अभी मारते हैं तो फिर क्या करें? तो पूजा नहीं करोगी तो मारेंगे ना। गुरुजी बेल्ट ट्रीटमेंट पर भरोसा रखते हैं और फेमिनिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। गलत बोल देती है तो मेरी पत्नी को सीरियस ले लेती है। अच्छा, बात कराओ अपनी पत्नी से। पत्नी बड़ी सीरियस है आपकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, क्या नाम है? थैंक गॉड बेटा बोला। गुरुजी आरती नाम। तो शादी हो गई आपकी? मीनवाइल आपकी शादी हुई है? नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। क्या करते हो? सब्जी बेचते हैं। सब्जी के दुकान। सब्जी बेचते हो? शराब पीते हो? पी लेते हैं, हफ्ता में कभी को देसी का क्वार्टर पर। वाह, शराब पीना सही है? नहीं यार, भीड़ के काम करते हैं तो पी लेते, क्या हो गया? वाह। तो आप अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम क्यों लाए हैं? क्यों सेवा नहीं करती अपनी माँ की? फाइनेंशियली पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी मेरे साथ है, लेकिन पत्नी के साथ मेरा माँ का 36 का आंकड़ा है। तो माँ का और पत्नी का 36 आंकड़ा है, तो वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी को लेकर आते करो? राधे राधे जपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए? बोले जब अपनी माँ के पेट में थी तब तुम्हारा बाप देता था खाने को, उनसे पूछना, तुम्हारा बाप हाथ डाल के खवाता था। ये मस्त हवाई। ओ गॉड, मतलब गुरु जी का भाई एक बार देखो, कोई भी एडिट देखो इतना मजा आता है ना कि मत पूछो, मतलब कुछ बता ही नहीं सकते इस चीज के बारे में। जस्ट लव इनके जितने एडिट्स हैं, मुझे मजा आता है और कुछ भी बुरा नहीं है, मतलब थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। सच में बहुत ही मज़ा आ रहा है, ही सो क्यूट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। मतलब एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ सजेशन देना मत भूलना अपने, एंड कमेंट भी करना, सजेशंस भी देना, एंड ये भी बताना कि ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरा रिएक्शन कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। जय सिया राम।